अध्यापिका हूँ और मैं आज कक्षा 8वीं की पाठ 5 से चिट्ठी 5 पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अभ्यास पत्रिका कराने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, कौन देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, यानी कि किससे हमें प्रेरणा मिलती है, किस लोगों से, किन लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। तो हमें नेहरू जी के द्वारा लिखे गए, यानी कि नेहरू जी ने जो पत्र लिखे थे, पिता ने अपनी पुत्री को जो पत्र लिखे थे, उनसे करोड़ों देशों को प्रेरणा, करोड़ों देशों के लोगों को प्रेरणा मिलती है। उसके बाद जो मेरा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, महान हस्तियों की धरोहर क्या है, महान हस्तियों की, दूसरा जो प्रश्न है वो है महान हस्तियों की धरोहर क्या है। तो महान हस्तियों की धरोहर जो है उनके द्वारा लिखे गए पत्र है, यानी कि जो महान हस्तियां थी उन्होंने जो पत्र लिखे थे, जैसे नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो पत्र लिखे थे, वो महान हस्तियों जो थी उनके द्वारा जो लिखे हुए पत्र थे वो हमारे, हमें धरोहर के रूप में प्राप्त हुए। मेरा अगला जो प्रश्न है, किन मामलों में गांधी जी का कोई जोड़ नहीं, यानी कि उनका कोई भी साथी जवाब नहीं था, किन मामलों में। तो कहते हैं गांधी जी के पास देश दुनिया के बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में पत्र आते थे, लेकिन उनका जो जवाब देते थे, जो गांधी जी हैं जिनके पास जो पत्र आते थे उनका जवाब देने के मामले में गांधी जी का कोई जोड़ नहीं, यानी कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जितने भी पत्र आते थे उनका वो जल्दी से उत्तर देते थे, लिख देते थे। मेरा प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किन कार्यों में बहुत मुस्तैद थे, मुस्तैद का अर्थ होता है व्यस्त, किन कार्यों में व्यस्त थे प्रेमचंद, पत्र के मामलों में, पत्र लिखने के मामलों में नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, यानी कि जो लेखक जो है आजकल के, यानी कि नए जो लेखक है उनको पत्र लिखते थे तो उनका जवाब देने में जो लेखक प्रेमचंद थे वो मुस्तैद रहते थे या व्यस्त रहते थे। मेरा अगला प्रश्न है, गांव के गरीब डाकियों को देवदूत के रूप में क्यों देखते हैं, देवदूत के रूप में डाकियों को क्यों देखा जाता है। तो उनका उत्तर है, दूर देहात के लोगों में, यानी कि जो गरीब लोग थे, जो गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके पास गरीबी है, तो गरीबी होने के कारण चूल्हे भी जलते और जो मनियाडर आते हैं, यानी कि जो डाकी है उनके पास मनियाडर लेकर आते हैं, उन्हीं से उनका चूल्हा जलता है। तो दूर देश से लाखों लोगों के घरों में चूल्हे मनियाडर और अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। तो इसलिए गांव या गरीब बस्तियों के चिट्ठी या मनियाडर लेकर पहुंचने वाले डाकियों को ही देवदूत के रूप में देखा जाता है, कि जैसे देव जब डाकिये हैं वो मनियाडर लेकर आएंगे और मनियाडर से ही गरीब लोगों को कुछ पैसे मिलते हैं जिससे उनके घर का चूल्हा जलता है, इसीलिए डाकिये को देवदूत के रूप में माना जाता है, कहा जाता है। मेरा अगला प्रश्न है, भाषा अभ्यास में व्याकरण के प्रशासक शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग के, तो आज का जो है शब्द है प्रशासक, तो इसमें हमें उपसर्ग, मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि उपसर्ग क्या होते हैं, कि वे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसका मूल शब्द होगा शासक, शासक, और उपसर्ग होगा, अगर शासक हमारा शब्द है मूल शब्द तो हमारा उपसर्ग क्या होगा, प्र, प्र उपसर्ग और मूल शब्द शासक। हम मेरा सब उससे अगला सब प्रश्न है, अगला प्रश्न है मेरा, ज्यादातर शब्द में प्रयुक्त
प्रत्यय पहचान कर लिखिए, यानी कि हमारा जो प्रश्न है ज्यादातर में प्रत्यय कौन सा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज्यादातर यानी प्रत्यय क्या होते हैं कि वे मूल शब्द जो प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें मूल शब्द जो हमारा होगा ज्यादा और प्रत्यय होगा कर। तो प्रत्यय जो है वो पीछे या शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। तो हमारा शब्द है ज्यादातर और मूल शब्द है ज्यादा और प्रत्यय है तर। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरा, अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। रेखांकित यानी कि मेरा प्रश्न है अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। तो इसमें ज्यादातर के नीचे रेखांकित है, यानी कि ये जो ज्यादा शब्द है ज्यादातर शब्द है वो क्या है। तो देखें वो ज्यादातर जो है वो क्या है, पत्रों की विशेषता है। पत्र कितने हैं, ज्यादातर। तो पत्र की जो विशेषता बता रही है यानी कि जो शब्द विशेषता बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, विशेषण। तो हमारा जो उत्तर होगा कि ये क्या है, हमारा विशेषण। तो इसका जवाब जो है हमारा क्या है, उत्तर विशेषण। इसके बाद मेरा अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है मेरा मनोदशा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। शब्द है हमारा मनोदशा, इससे हमें संधि विच्छेद करना है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, उत्तर होगा मन जहां दशा। ये कौन सा होगा हमारा, विसर्ग संधि, क्योंकि हमें इसमें संधि विसर्ग लगाए हैं। तो ये हमारा जो अलग करते हैं तो हम इसमें अलग करने पर विसर्ग संधि का प्रयोग करते हुए मनः जमा दर्शा। उसके बाद अगला प्रश्न मेरा है, घर घर तक इसकी पहुंच है। घर घर तक इसकी पहुंच है। शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए कि ये शब्द जो है वो व्याकरण के किस व्याकरण में किस में आते हैं। तो देखिए घर घर जो शब्द है हमारा वो हमारा आएगा क्रिया विशेषण में। तो उत्तर है मेरा इसका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो मेरी जो कार्य पत्रिका है ये समाप्त हुई। धन्यवाद।